वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका बीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम सब ने कंजंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि कंजंक्शंस होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शंस का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टर, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करे, उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शन कैन जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस टुगेदर। फिर हमने ये जाना था कि कंजंक्शंस दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटिंग शब्द दो शब्दों से बना है, को और ऑर्डिनेट, जहां को का मतलब होता है इक्वल और ऑर्डिनेट का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्ट। यानी एक ऐसा कंजंक्शन जो इक्वल टाइप ऑफ वर्ड, इक्वल टाइप ऑफ सेंटेंस और इक्वल टाइप ऑफ क्लॉज को जोड़ता हो, यानी समान शब्दों को, समान वाक्यों को और समान वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य जो कंजंक्शन करता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है जो अलग अलग प्रकार के वाक्यों को, अलग अलग प्रकार के शब्दों को, अलग अलग प्रकार के वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आज है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कुछ शब्द आते हैं जैसे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट अल्सो, और आइदर और, नॉर एल्स, नाइदर नॉर, अदरवाइज, बट स्टिल, येट, नेवरदलेस, वेयर एज, वाइल, फॉर, सो, देयर फॉर, कॉन्सिक्वेंटली, ऐसे शब्दों को, इन सभी शब्दों को हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इनका काम होता है एक समान वाक्यों को, एक समान क्लॉज को या एक समान शब्दों को जोड़ना। एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दैट, दाउ, अल्दो, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, Unless, whether, lest, as if, in case, so that, as long as, which, when, where, why, how, इन सभी को हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं और इनका काम होता है अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को, अलग अलग प्रकार के वाक्यों को, उपवाक्यों को, शब्दों को जोड़ना। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने एग्जाम के बेस पर एनालिसिस ऑफ सेंटेंस करेंगे, यानी इनकी सहायता से एनालिसिस ऑफ सेंटेंस कैसे किया जाता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ 10 सेंटेंसेस ली हैं और 10 सेंटेंस को हम एनालाइज करके देखेंगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातों को हम जरा फिर से रिकॉल कर लें, हालांकि मैंने इन्हें कल बताया था, फिर भी जरा इसे अगर दोबारा हम रिकॉल कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। सबसे पहली चीज है जो रिकॉल करेंगे हम और वो है क्लॉज।
कल मैंने आपको बताया था कि क्लॉज दरअसल होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, वाक्य का भाग। जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे क्लॉज का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के किसी एक पार्ट को हम क्लॉज कह सकते हैं। जैसे वी ईट दैट वी मे लीव, तो दो सेंटेंस है यहां, वी ईट और वी मे लीव, इन दोनों को हम कहेंगे ये दोनों क्लॉज है। क्यों? क्योंकि वी ईट दैट वी मे लीव ये एक सेंटेंस है, और इस एक सेंटेंस में पहला पार्ट है वी ईट, दूसरा पार्ट है वी मे लीव, और दोनों जुड़े हुए हैं दैट कंजंक्शन से। तो इस तरह ये क्लॉज होते हैं, सेंटेंस के किसी भी एक पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं। आपने कल पढ़ा था क्लॉज दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य का वो भाग होता है, वो हिस्सा होता है जो अपनी मीनिंग खुद कंप्लीट कर सकता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य का वो हिस्सा होता है जो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है, वो बिना प्रिंसिपल क्लॉज के अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का एक तरीका है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत हमेशा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। आप सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखकर उसके आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सब हैं, इनसे अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है या इन शब्दों के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो 100% सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और जो दूसरा बचा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ऐसे आप सेंटेंस की पहचान करेंगे। फिर इनके आधार पर मैंने कुछ सेंटेंस की चर्चा कर की थी। मैंने कहा था कि किसी भी स्टेटमेंट को जो हम नॉर्मली देते हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान के बारे में, उसे हम कहते हैं वो सिंपल सेंटेंस है। और मैंने ये बताया था कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ा गया हो तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा मैंने बताया था आपको कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से जो सेंटेंस बनता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा मैंने बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से जो सेंटेंस बनता है उसे हम कहते हैं मिक्स सेंटेंस, यानी किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के बारे में आपने जो अपनी स्टेटमेंट दी, आपने जो बातें कही जिसमें किसी तरह का कोई कंजंक्शन नहीं है उसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यानी कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब एक प्रिंसिपल क्लॉज को एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। यानी एक बात फिक्स है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा।
यानी को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर सेंटेंस में है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस सेंटेंस में है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आइए अब जरा हम एनालाइज करके देखते हैं। हमें दो चीजें करनी है, पहला काम है कि सेंटेंस में क्लॉज का पता लगाना कि उस सेंटेंस में अगर दो हिस्से हो रहे हैं तो कौन कौन से उसमें क्लॉज है, क्या प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है, या फिर एक प्रिंसिपल है एक सबऑर्डिनेट है। दूसरा पता लगाना है कि वो किस तरह का सेंटेंस बना रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूं और दिखाता हूं, आसान करता हूं आपके लिए। सेंटेंस है वी ईट दैट वी मे लीव, तो इस सेंटेंस में यहां लिखा हुआ है दैट, और अगर हम ध्यान से देखें तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है दैट, यानी दैट एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब है कि दैट एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और दैट के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और वी ईट ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचान लिया तो दूसरा जो क्लॉज होगा वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, बिना प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आ सकता है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आपने पहचान कर ली। अब आप अलग से यहां अपनी जब कॉपी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे वी ईट डैश दे देंगे, लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, दैट वी मे लीव आप लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, वी ईट प्रिंसिपल क्लॉज, दैट वी मे लीव सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सेंटेंस का पता लगाना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपने पढ़ा है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से जो सेंटेंस बनता है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वी ईट दैट वी मे लीव, ये एक सेंटेंस था। हमने देखा कि सेंटेंस में दैट है, दैट दरअसल एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और रूल ये कहता है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस होगा वो एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो दैट एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो सब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो दूसरा क्या हुआ, जो दूसरा बचा वो 100% प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ये हमने एनालाइज किया कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आपने इस पॉले सेंटेंस की एनालिसिस कर दी, ऐसे एनालिसिस किया जाता है। सेकंड सेंटेंस है, इवन इफ ही डजंट कोऑपरेट मी आई विल फाइट अलोन, यहां कॉमा दे दिया गया है, यानी स्पष्ट दो तरह के आपको सेंटेंस मिल रहे हैं, दो तरह के क्लॉज यहां दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा सबऑर्डिनेट है, कौन सा प्रिंसिपल है, या फिर क्या दोनों प्रिंसिपल तो नहीं है। तो यहां एक वर्ड है इवन इफ, और आप अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सेंटेंसेस में आप एज इफ अभी बहुत सारे होते हैं, केवल इतना ही नहीं है। तो इफ वाला जो सेंटेंस हमारे पास होता है, इफ एज इफ इवन इफ, इफ से रिलेटेड जो सेंटेंस अपने पास होता है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्योंकि इफ जो है वो इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है।
इसका मतलब ये है कि इवन इफ ही डजंट कोऑपरेट मी, यहां तक, यहीं तक क्यों, क्योंकि यहां कॉमा दे दिया गया है, इसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो अलग है। तो यहां तक जो सेंटेंस आपने पढ़ा इवन इफ ही डजंट कोऑपरेट मी, ये एक सबोर्डिनेट क्लॉज हुआ। सबोर्डिनेट क्लॉज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इफ को यूज किया गया है। उससे क्या मतलब है, इफ एक सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद शुरू होने वाला क्लॉज सबोर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये सबोर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो दूसरा जो बच गया, जाहिर सी बात है कि दूसरा एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर इस सेंटेंस को जब हमने एनालिसिस किया तो हमें दो चीजें मिली, एक सबोर्डिनेट क्लॉज और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज। और हमने ये पढ़ा है कि एक सबोर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है, यानी ये जो सेंटेंस हमने बनाया ये दरअसल एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आइए हम तीसरे की एनालिसिस करते हैं। प्लीज आस्क हिम व्हाट ही वांट्स। तो आपको यहां कॉमा दिखाई दे रहा है, मतलब कि दो सेंटेंसेस अभी भी हैं। प्लीज आस्क हिम व्हाट ही वांट्स। तो WH क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, WH क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं, यहां आपको दिखाई देगा विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये सब जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड के वर्ड होते हैं वो सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हाट भी एक क्वेश्चन वर्ड है, सभी क्वेश्चन वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसका मतलब कि व्हाट ही वांट्स एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और प्लीज आस्क हिम एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है प्लीज आस्क हिम, और व्हाट ही वांट्स एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबोर्डिनेट क्लॉज हो तो इन दोनों के मिलने से जो सेंटेंस बनता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसका मतलब प्लीज आस्क हिम व्हाट ही वांट्स एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं उसे क्लियर जरूर करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द चार्म। आपने पढ़ा है कि एंड दरअसल एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो एक समान सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसका मतलब कि गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने ये गांव बनाए, मैन मेड द टाउन और इंसानों ने शहर बनाया, एंड ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि दोनों अपने अर्थ को अकेले में भी दे पा रहे हैं, और वैसे भी एंड हमेशा एक समान क्लॉज को जोड़ता है, एक समान सेंटेंसेस को जोड़ता है, और जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वहां सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और एक कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। तो एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है, और एक कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। तो गॉड मेड द कंट्री प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, मैन मेड द टाउन प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, इस सेंटेंस के दो टुकड़े हुए। अगला सेंटेंस है, आई हैव टू ब्रदर्स हु आर डॉक्टर्स। तो
अभी आपने तुरंत सेंटेंस नंबर 3 में पढ़ा था कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं दरअसल वो सबके सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस क्लॉज आगे बढ़ता है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसका मतलब हु आर डॉक्टर्स एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दूसरा जो होगा आई हैव टू ब्रदर्स, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से कौन सी सेंटेंस बनती है? बिल्कुल सही, एक सिंपल सेंटेंस यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सिक्स नंबर सेंटेंस है यू आर लेबोरियस देयरफॉर यू विल सक्सीड। अब ये सेंटेंस आपको एनालाइज करना है तो आप देखेंगे कि भाई देयरफॉर की चर्चा तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में की है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम ये जानते हैं कि जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है पहली बात वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। पहली बात ये कि वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, और कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। इसका मतलब यू आर लेबोरियस ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और यू विल सक्सीड ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। देयरफॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। हर कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है, यानी कंपाउंड सेंटेंस था यू आर लेबोरियस देयरफॉर यू विल सक्सीड, दो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें मिलेंगे यू आर लेबोरियस यू विल सक्सीड। ये एनालिसिस हो गई इसकी। अब मुझे यकीन है कि आपको पूरी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे सी टोल्ड मी दैट सी विल नॉट हेल्प मी। तो यहां आप देख रहे हैं कि दैट इस सेंटेंस में है, और आपने पढ़ा है कि जिस दैट जो होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस क्लॉज आगे बढ़ती है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। इसका मतलब कि दैट वी विल नॉट सी विल नॉट हेल्प मी एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो दूसरा जो बचा सी टोल्ड मी ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस है सुमन बिकम एन इंजीनियर। सुमन एक इंजीनियर बन गई। तो मैंने सुमन के बारे में एक बात कही कि सुमन एक इंजीनियर बन गई। आप देख रहे हैं कि सुमन बिकम एन इंजीनियर इस सेंटेंस में कोई भी ना तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है ना सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है। तो अगर कोई कंजंक्शन नहीं यूज हुआ है तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई डिटेल्स देते हैं, ठीक है, इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया गया। आई कांट से व्हाट ही डज, इसकी एनालिसिस आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा टाइप करके। आई कांट से व्हाट ही डज इसकी एनालाइज करनी है आपको कि कौन कौन से इसमें क्लॉज हैं, किस कंजंक्शन को किस शब्द को देख के आपने पता किया कि ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, दोनों के मिलने से कैसा सेंटेंस बनेगा। 10 नंबर मैं बता रहा हूं आपको, आइदर यू और योर फ्रेंड मस्ट ओपन द डोर। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस सेंटेंस में आइदर और की चर्चा होती है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दरअसल होता है आइदर और। तो आपने देखा कि यहां आइदर और की चर्चा की गई है, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है, और कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लॉज के मिलने से बना होता है। तो यहां इसके प्रिंसिपल क्लॉज को
ढूंढने के लिए कैसे आप पहचान पाएंगे कि इसमें आइदर यू और योर फ्रेंड मस्ट ओपन द डोर, कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज दोनों है, कैसे ढूंढेंगे, इसकी क्लास में आपको कल बताऊंगा। कल की क्लास में हम कंजंक्शन को और ज्यादा डेप्थ में जाकर एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, यानी राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग, राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग। एक सेंटेंस अगर मैं लिख दूं यहां, राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग, तो ये तो आपने बता दिया कि एज वेल एज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जैसे ही आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखा, आपने कहा कि ये सेंटेंस 100% क्या होगा, एक कंपाउंड सेंटेंस होगा, यानी ये पूरा सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब मैं ये कहूंगा अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, चलो उन दो प्रिंसिपल क्लॉज को बताओ कौन कौन से प्रिंसिपल क्लॉज हैं, तो यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि केवल राम प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता, एक शब्द कभी भी क्लॉज नहीं हो सकता, श्याम इज गोइंग एक सेंटेंस है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन राम अकेले तो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता। इसे कैसे हम जानते हैं, इसे कैसे एनालाइज करते हैं, कल की क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9955490800 इस पे आप मुझे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, मैं सॉल्व करके आप तक उसका आंसर जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।